हाय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये देखिए, आज हम सीखेंगे ये बहुत ही सुंदर सा जिगजग पैटर्न निटिंग डिज़ाइन। ये देखिए, इस डिज़ाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं, लेडीज़ कार्डिगन में, लेडीज़ जैकेट में, जेंट्स हाफ स्वेटर, फुल स्वेटर में, बच्चों के स्वेटर में डाल सकते हैं। ये देखिए, बनकर बहुत ही सुंदर लगता है। आगे की साइड से ये इस तरह से दिखता है और पीछे की साइड ये इस तरह से दिखता है। तो फ्रेंड, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको जो स्टिचेस चाहिए होंगे वो 6 के मल्टीपल से होंगे, प्लस 2 फंदे एक्स्ट्रा रखने होंगे ए स्टिच के लिए। और ये जो डिज़ाइन है, ये टोटल 12 रॉ का डिज़ाइन है। तो चलिए फ्रेंड, बनाते हैं। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैंने 26 फंदे लिए हैं, 24 फंदे 6 के मल्टीपल से लिए हैं, प्लस 2 फंदे ए स्टिच के हैं। और नीचे से मैंने ये सिंपल बॉर्डर बनाया है। तो चलिए देखते हैं, ये इसकी फर्स्ट रो है और राइट साइड है। ये देखिए, इसकी फर्स्ट रो राइट साइड में सारी सीधे सीधे फंदों के साथ बुनेंगे। ये देखिए, रॉन्ग साइड सेकेंड रो, इस सारी रो को उल्टे उल्टे फंदों के साथ बुनेंगे। थर्ड रो राइट साइड। अब देखिए, इस रो में ए स्टिच ऐसे ही उतार लेंगे। अब स्टार्टिंग के 3 फंदे 2 बार रैप करके बुनेंगे। देखिए, 1 2 1 1 2 2 1 2 3, 3 फंदे सीधे बना लेंगे, 1 2 3। ये देखिए, स्टार्टिंग का ऐसे छोड़कर यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है। फिर से आगे रिपीट करेंगे, फिर से हम 3 फंदे 3 बार रैप करेंगे, 1 2 1 1 2 2 1 2 3, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर से 3 फंदे, 1 2 1 1 2 2 1 2 3 1 2 3, सीधे फंदे, फिर से 1 2 1 1 2 2 1 2 3, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, एस्टिच भी सीधा ही। ये देखिए, हमारी थर्ड रॉ कंप्लीट हो गई है। फोर्थ रॉ है रॉन्ग साइड। अब देखिए, ए स्टिच ऐसे ही उतारेंगे, 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3, 3 फंदे ये हमारे जो हमने सीधे बनाए थे उनको उल्टा बना लेंगे। अब 3 फंदे अनरैप करेंगे जो हमने रैप किए थे, 1 2 3, इन फंदों को हमने बुनना नहीं है, बिना बुने ही इनको हम राइट नीडल पर लेंगे। फिर से 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3, 3 फंदे अनरैप करेंगे, 1 2 3, 3 फंदे उल्टे बना लेंगे, 1
थ्री, तीन फंदे अनरैप करेंगे, वन टू थ्री, फिर से तीन फंदे उल्टे बनाएंगे, वन टू थ्री, तीन फंदे अनरैप करेंगे, वन टू थ्री, एज स्टिच उल्टा बना लेंगे। रॉ फिफ्थ है राइट साइड, अब देखिए एज स्टिच ऐसे ही उतार लेंगे बिना बुने। फिर हम ये देखिए जो हमारे सिक्स फंदे हैं, तीन फंदे हमने अनरैप किए हैं और तीन फंदे सीधे बनाए हैं, इन सिक्स फंदों को ट्विस्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे देखिए, बैक लूप से तीन फंदे राइट नीडल पर लेंगे और तीन फंदे अनरैप किए हुए लेफ्ट नीडल पर लेंगे, इनको हम राइट टू लेफ्ट ट्विस्ट करेंगे, वापस से लेफ्ट नीडल पर लेकर जाएंगे और ये सिक्स फंदे सीधे बना देंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। ये देखिए इस तरफ को हमने, इस तरफ को इनको ट्विस्ट किया है। तो फिर से स्टार्टिंग का ऐसे छोड़कर यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है। फिर से रिपीट करेंगे, फिर से हम सिक्स फंदे ट्विस्ट करेंगे, देखिए तीन फंदे पीछे वाले राइट नीडल पर लेंगे और ये अनरैप किए हुए फंदे लेफ्ट नीडल पर लेकर जाएंगे, फिर से सभी फंदे लेफ्ट नीडल पर शिफ्ट कर देंगे और सिक्स फंदों को सीधा बना लेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव फाइव सिक्स। ये देखिए फिर से तीन फंदे आगे लेकर जाएंगे पीछे वाले और आगे वाले तीन फंदे पीछे लेकर जाएंगे, सभी फंदों को सीधा बना लेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। फिर से ऐसे भी इनको बना सकते हैं, पहले पीछे के फंदे सीधे बना लेंगे, अब ये वाले फंदे सीधे बुन लेंगे, वन टू थ्री, एज स्टिच सीधा। ये देखिए रॉ फाइव कंप्लीट हो गई है। रॉ सिक्स है रॉन्ग साइड, इस सारी रॉ को उल्टे उल्टे फंदों के साथ बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए सेवन्थ रो है राइट साइड, फिर से इस सारी रो को सीधे सीधे फंदों के साथ बुनकर कंप्लीट करेंगे।
एट्थ रो रॉन्ग साइड, इस सारी रो को उल्टे फंदों के साथ बुनकर कंप्लीट करेंगे। ये देखिए नाइन्थ रो है राइट साइड, फिर से स्टिच ऐसे ही उतारेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम पहले तीन फंदे सीधे बना लेंगे, 1 2 3। अब तीन फंदे दो बार रैप करके बनाएंगे, 1 2 1, 1 2 2, 1 2 3। ये देखिए स्टार्टिंग का ऐसे छोड़कर यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है। फिर से रिपीट करेंगे, तीन फंदे सीधे, 1 2 3, तीन फंदे दो बार रैप करके बुनेंगे, 1 2 1, 1 2 2, 1 2 3, फिर से 1 2 3 फंदे सीधे, 1 2 1, 1 2 2, 1 2 3, फिर से तीन फंदे सीधे, 2 3, 1 2 1, 1 2 2, 1 2 3, स्टिच सीधा बना लेंगे। ये देखिए नाइन्थ रो कंप्लीट हो गई है, टेंथ रो है रॉन्ग साइड, स्टिच ऐसे ही उतार लेंगे। अब देखिए जो हमने तीन फंदे रैप करके बुने थे उनको अनरैप करेंगे, 1 2 3, तीन फंदे उल्टे बना लेंगे, 1 2 3, अनरैप करेंगे, 1 2 3, तीन फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, उल्टे फंदे, स्टिच भी उल्टा ही। ये देखिए रो 11 राइट साइड, स्टिच ऐसे ही उतार लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो 6 फंदे हैं, तीन फंदे हमने सीधे बनाए, तीन फंदे रैप करके बुने। पहले हमने इनको राइट टू लेफ्ट ट्विस्ट किया था, अब लेफ्ट टू राइट ट्विस्ट करेंगे। तो देखिए ये ऐसे तीन फंदे आगे लेकर जाएंगे और आगे वाले तीन फंदे पीछे लेकर जाएंगे। ये देखिए ऐसे इस तरफ को ट्विस्ट कर लेंगे। हम ये 6 फंदे सीधे बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6। ये देखिए फिर से ये फंदे ट्विस्ट करेंगे, 6 फंदे, इनको सीधा बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6। इसे देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। वन टू थ्री
4, 5, 6 एस्टेज सीधा। ये देखिए हमारी 11 रॉ कंप्लीट हो गई है। 12 रॉ है रॉन्ग साइड। फिर से इस सारी रो को उल्टे उल्टे फंदों के साथ बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए इस सारी रो को उल्टे फंदों के साथ बुनेंगे। तो देखिए फ्रेंड बहुत ही इजी डिज़ाइन है और बहुत ही यूनिक सा डिज़ाइन है। बनाने में बहुत ही इजी है और बनकर बहुत ही सुंदर लगता है। ये देखिए इस सारी रो को ऐसे उल्टे उल्टे फंदों के साथ बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड हमारी 12 रो कंप्लीट हो गई है और हमारा डिज़ाइन भी कंप्लीट हो गया है। फिर से हम इसे फर्स्ट रो से स्टार्ट करेंगे और ऐसे ही बार बार इसकी 1 to 12 रो रिपीट करते जाएंगे और ये डिज़ाइन बनकर इस तरह से दिखने लगेगा। ये देखिए बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है फ्रेंड और बनकर बहुत ही सुंदर लगता है। तो आप भी इसे बनाइए और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग माई वीडियो।